Hello guys, this is Renu Gehlot and welcome to our YouTube channel DMLT Lab. Today we are going to discuss about bone marrow. Let's start our video. सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बोन मैरो होता क्या है. इट इज अ स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड सम ऑफ बोन्स एग्जांपल हिप. ये बोलना चाह रहा है कि जो बोन मैरो होता है वह क्या होता है, एक टाइप का स्पॉन्जी टिश्यू होता है. मतलब एक स्पंज जैसा टिश्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं. तो सिंपल सी बात है, बोन मैरो क्या होता है, एक टिश्यू होता है. वो कैसा होता है, स्पंजी लाइक होता है. स्पंज जैसा टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं बोन मैरो. और जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनसाइड सम ऑफ योर बोन. जो हमारी कुछ बोन्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है. यह हमारी सारी बोन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ स्पेशल टाइप की बोन या फिर हम इसे बोल सकते हैं कुछ ही बोन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, सारी बोन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है. एग्जाम्पल हिप बोन. ठीक है, कंटेंट स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल. ये क्या करता है, इसके अंदर जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है उसके अंदर कौन सी सेल्स होती है, स्टेम सेल्स होती है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल. ऐसी सेल जिनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वह किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल होती है. मतलब कि स्टेम सेल जो होती है स्पेसिफाइड नहीं होती है, इस टाइप की सेल बनाती है. यह किसी भी टाइप को सेल बनाने के लिए इसके अंदर एबिलिटी होती है. लाइक ये आरबीसी का फॉर्मेशन भी कर सकती है, डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन कर सकती है, प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन. लिए देखो ये एक सेल है, मान लेते हैं ये क्या है, स्टेम सेल है. ठीक है ना, ठीक है. अब ये सेल क्या कर सकती है, इसकी मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर रिक्वायरमेंट आरबीसी की है तो ये सेल आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी. ओके, अगर रिक्वायरमेंट डब्ल्यूबीसी की है तो ये डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करेगी. अगर रिक्वायरमेंट प्लेटलेट्स का है तो ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेगी. जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आरबीसी का ही फॉर्मेशन करेगी. कुछ सेल्स होती है लाइक ये वाली सेल ले लीजिए, ये सिर्फ आरबीसी का ही फॉर्मेशन करेगी. अब किसी भी अगर हमें आरबीसी की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो भी आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी. बट स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है, यह रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि जब हमें जिसके अंदर मतलब जिस चीज या जिस सेल की रिक्वायरमेंट होती है उस सेल का ही फॉर्मेशन कर देती है. जैसे अभी हमें आरबीसी की जरूरत है तो स्टेम सेल क्या बनाएगी, आरबीसी का फॉर्मेशन कर देगी. अगर हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट है तो स्टेम सेल क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कर देगी. ठीक है, तो बोन मैरो क्या होता है, एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो हमारी कुछ बोन के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, और इसके अंदर कौन सी सेल होती है, स्टेम सेल्स होती है. और स्टेम सेल क्या करती है, स्टेम सेल फॉर्म्ड आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स. ये स्टेम सेल क्या करती है, हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है. और मैंने आपको बताया कि ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ओके, तो स्टेम सेल किसका फॉर्मेशन करती है, ब्लड सेल्स का. तो सीधी सी बात है, हमारा बोन मेरो का फंक्शन क्या है, हमारी बोन मेरो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है. तो बोन मेरो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है. अब मैं आपको बताती हूँ हमारी बॉडी में आरबीसी इंपॉर्टेंट क्यों है. आरबीसी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आरबीसी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का फंक्शन करती है. अगर आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा, तो हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. और डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. ओके, हमें मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, किससे, पैथोजन से लड़ने के लिए. ठीक है, ये नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी वीक हो जाएगी. प्लेटलेट्स क्या करती है, यह हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो तीनों ही ब्लड सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. तो इनडायरेक्टली बोन मेरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. ठीक है, डायग्राम के अंदर देखेंगे, मैंने आपको बताया कि कुछ बोन्स के अंदर क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है. ये हमारी एक बोन ली हमने, इसके अंदर क्या है, देखिए आप स्ट्रक्चर देखेंगे आपको, इसको जब हम जूम करके देखते हैं तो हमें कैसे दिखता है, ये टिश्यू दिखता है. ठीक है, ये बिल्कुल स्पंज जैसा लग रहा है. आप देखिए ये टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है, इस बोन के अंदर ये टिश्यू प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये टिश्यू की स्ट्रक्चर देखिए आप, इस टिश्यू की स्ट्रक्चर में आपको स्पंज जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है. इसीलिए हमने आपको बताया है कि बोन मैरो क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है. ठीक है, और मैंने आपको बताया इसके अंदर सेल्स होती है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं. वो वाली स्टेम सेल्स किसका फॉर्मेशन करती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ बोन होती है, सम बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा बोन मैरो. ठीक है ना, अब हम बात करते हैं वो बोन कौन कौन सी होती है जिसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है. वो बोन होती है स्पेशली, कौन सी बोन होती है, लॉन्ग बोन. ठीक है,
तो बोन मैरो कौन सी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पेशली लॉन्ग्स बोन के अंदर, ठीक है। डायग्राम के अंदर आप देखेंगे, ये देखिए, ये वाली बोन हमारी, ये वाली बोन, ये देखिए, ये हमारी ह्यूमरस बोन, ये हमारी रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है। ये वाली लॉन्ग बोन देखिए, इनके अंदर क्या है, ये सारी हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बोन मेरो प्रेजेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट है, जो किसका फॉर्मेशन करता है, ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो बोन मेरो कौन सी बोन के अंदर होता है, स्पेशली लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे आप ले सकते हैं ह्यूमरस रेडियस अल्ना, फीमर, फीमर टीबिया, फिबुला, सॉरी टीबिया नहीं, ठीक है, लॉन्ग बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर इस बोन की स्ट्रक्चर देखेंगे, तो क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर तो ये पूरी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, बोन मेरो। बट जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, वैसे वैसे बोन मेरो जो होता है सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लॉन्ग बोन के एंड्स के ऊपर, ठीक है। और जो लॉन्ग बोन का जो मिडिल पोर्शन है, यहाँ पर कौन सा बोन मेरो प्रेजेंट होता है, येल्लो बोन मेरो, ठीक है। और येल्लो बोन मेरो किसका फॉर्मेशन करता है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो रेड बोन मेरो क्या होता है, जो बोन मेरो दो टाइप के होते हैं, येलो और रेड बोन मेरो, ठीक है। जो येलो बोन मेरो होता है वह क्या, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है, और जो रेड बोन मेरो होता है वह ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होता है, मतलब धीरे धीरे लाइफ के अंदर क्या होता है, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज 20 तक आती है, तब तक क्या हो जाता है, हमारा जो बोन मेरो है, रेड बोन मेरो, वह कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिर्फ लॉन्ग बोन के एंड्स के ऊपर, ठीक है। और जो हमारा येलो बोन मेरो है वह कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसके मिडिल पोर्शन के अंदर, ठीक है। बट अब जब हम हमारे चाइल्डहुड के अंदर, या फिर हम उसे बोल सकते हैं छोटे जो बच्चे होते हैं 10 साल के 15 साल के, इनके अंदर जो रेड बोन मेरो है वो पूरी बोन की कंप्लीट बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो रेड बोन मेरो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, सिर्फ इसके अपर पार्ट के ऊपर, इसके लॉन्ग बोन के अपर पार्ट के ऊपर, ठीक है ना। और अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो देखिए आप ये स्ट्रक्चर देखिए, इसके अंदर आपको सारे स्पंज जैसे टिश्यू दिख रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं बोन मेरो क्या होता है, स्पंजी टिश्यू होता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो रेड बोन मेरो है वह क्या करेगा, अगर वह किसका फॉर्मेशन नहीं करेगा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारी रेड बोन मेरो का फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल WBC का फॉर्मेशन करना। जब हमारी बॉडी के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी रेड बोन मेरो है वह क्या करेगी, अगर वह ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना कम कर देगी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर बोन मेरो एब्सेंट हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर RBC का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब RBC का फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इनका फंक्शन कौन करेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, हमें डिजीज हो जाती है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर RBC का फॉर्मेशन कम होता है, हम बोल सकते हैं अगर हमारे जो बोन रेड बोन मेरो अगर वह RBC का फॉर्मेशन करना कम कर देती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, अप्लास्टिक एनीमिया। इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको, देखो इसके अंदर RBC काउंट नॉर्मल दिख रहा है, बट अगर क्या होता है, हमारी बोन मेरो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना कम कर देती है, तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। यहाँ पर इस वाले डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि आपको रेड ब्लड सेल्स आपको बहुत कम दिख रही है, ठीक है ना। और RBC का डिक्रीज होना क्या होता है, एनीमिया कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं ल्यूकेमिया की। पहले तो हम लोगों ने बात करी, जब हमारी बॉडी के अंदर RBC या फिर रेड ब्लड सेल्स बनना कम हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। जब हमारी बॉडी के अंदर WBC का जो फॉर्मेशन होता है वह इंक्रीज हो जाता है, मतलब क्या होता है, जो हमारी रेड बोन मेरो है वह क्या करती है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। WBC भी क्या की ब्लड सेल्स है। जब वह बोन मेरो WBC का फॉर्मेशन ज्यादा करने लग जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये आपको नॉर्मल डायग्राम है, इसके अंदर जो हमारी WBC का काउंट क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। बट आप ये वाला डायग्राम देखिए, इसके अंदर क्या है, WBC का काउंट क्या है, नॉर्मल से ज्यादा है, मतलब जो हमारी बोन मेरो है वह क्या कर रही है, WBC का फॉर्मेशन ज्यादा कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो उससे क्या डिजीज कॉज होती है, ल्यूकेमिया हो जाता है। तो बोन मेरो क्या होता है, एक स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और बोन मेरो दो टाइप के होते हैं, रेड और येलो बोन मेरो, ठीक है। जो रेड बोन मेरो होता है वह RBC WBC का फॉर्मेशन करता है, और जो येलो बोन मेरो है वह किसका फॉर्मेशन करता है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।